हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेज डायरेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि पेज डायरेक्टिव किस लिए यूज होती है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना फर्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, द पेज डायरेक्टिव इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज फॉर एन ESP.NET पेज टू बी यूज व्हेन द पेज इज पास्ड एंड कंपाइल्ड। अपने इस डायरेक्टिव को यूज करके हमारी पेज डायरेक्टिव में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, और ये वैल्यूज हम हमारी पेज स्पेसिफिक होती हैं, और इनका यूज तब होता है जब हमारा पेज कंपाइल हो रहा होता है। सेकंड पॉइंट, हमारे हर एएक्सपीएक्स पेज में पेज डायरेक्टिव का होना कंपल्सरी होता है। इसके बाद मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए हैं पेज डायरेक्टिव के, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा पहला एट्रीब्यूट है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जनरली क्या होता है, हमारा ESP.NET में फाइल्स दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक हमारा .expx पेज बनता है जिसमें हमारा डिजाइनिंग का काम होता है, और दूसरी फाइल हमारी कोडिंग के लिए बनती है, जिसे कह सकते हैं बिजनेस लॉजिक के लिए बनती है। चूंकि हमारा .NET फ्रेमवर्क मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो हमें अपने डिजाइन पेज में ये देना होता है कि हम अपनी कोडिंग वाली फाइल को, जिसे हम दूसरे शब्दों में कोड बिहाइंड फाइल भी कह सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं। ये C# भी हो सकती है, VB भी हो सकती है, कोई सी भी .NET सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज हो सकती है। तो यही यूज हमारी लैंग्वेज एट्रीब्यूट का होता है। अपने इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट में हम यही बताते हैं कि कोड बिहाइंड फाइल में हम कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो इवेंट वायर अप। हमारे इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हमारे EXPX पेज के मेथड्स और इवेंट एक साथ ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है कोड फाइल। ये बताता है कि ये हमें हमारी कोड बिहाइंड फाइल के बारे में बताता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे, स्पेसिफाइज द कोड बिहाइंड फाइल विद विच द पेज इज एसोसिएटेड। हमारे पेज किस कोड बिहाइंड फाइल से जुड़ा हुआ है, ये उस फाइल के बारे में हमें बताता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है कल्चर। ये हमारे कल्चर से रिलेटेड सेटिंग्स को सेट करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक होती है कि पेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट एट्रीब्यूट आते हैं मास्टर पेज फाइल। जब हम अपने पेज में मास्टर पेज का यूज कर रहे होते हैं, तो हमें अपने इस एट्रीब्यूट मास्टर पेज फाइल में उस मास्टर पेज का नाम देना होता है। आप सोच रहे होंगे मास्टर पेज क्या होते हैं। मास्टर पेज की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को एक कंसिस्टेंट लुक प्रोवाइड करा सकते हैं। हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मास्टर पेज बनाना सीखेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है इनेबल व्यू स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं व्यू स्टेट क्या होता है। व्यू स्टेट की हेल्प से आप अपने एक पेज के अंदर दिए गए कंट्रोल्स की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बैग्स पे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स पे सेव करा के रख सकते हैं। अगर आपने इस एट्रीब्यूट मतलब कि इनेबल व्यू स्टेट की प्रॉपर्टी 2 रखी हुई है, तो हमारे पेज की व्यू स्टेट डिफरेंट रिक्वेस्ट पे सेव हो जाती है, और अगर आपने इसे फॉल्स किया हुआ है तो स्टेट सेव नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट इस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी ट्रू होती है। इसके बाद मेरा लास्ट एट्रीब्यूट आता है इनहेरिट्स। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे, स्पेसिफाइज अ कोड बिहाइंड क्लास फॉर द पेज टू इनहेरिट। ये हमारी कोड बिहाइंड क्लास को बता के बारे में बताती है। जनरली कोड बिहाइंड क्लास का नाम हमारे पेज के नाम जैसे ही होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यह हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है पेज डायरेक्टिव का, जिसमें आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट और परसेंटेज के साइन से हो रही है, और एंड में भी परसेंटेज साइन और यही साइन है। एट द रेट के बाद पेज, ये बता रहा है कि हाँ पेज डायरेक्टिव यूज हो रही है। इसमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट को वैल्यू हमने C# दे रखी हुई है कि हम अपनी कोड बिहाइंड फाइल में C# का यूज करेंगे। ऑटो इवेंट वायर अप इक्वल्स टू ट्रू, जो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। कोड
फाइल ये हमें ये बता रही है कि हमारी CX फाइल जो हमारे .exp एक पेज से जुड़ी हुई है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मान लीजिए मेरे पास sample.expx पेज है, तो डिजाइनिंग पेज का नाम sample.expx हो गया हमारा, ठीक है। कोड फाइल का नाम हमारा sample.expx.cx हमारी लैंग्वेज बताती है। अगर मैं यह लैंग्वेज C# की जगह VB लेती तो ये इसका एक्सटेंशन CS ना होके VB होता। और इनहेरिट हमने अभी डिस्कस किया कि क्लास के बारे में बताती है, और इस क्लास का नाम हमारे पेज के नाम की तरह ही होता है। देखिए यहाँ सैंपल हमारे पेज का नाम है, तो इस क्लास का नाम भी सैंपल ही है। अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू।